Hi friends, today's video is going to be a complete tour guide to Rishikesh. मैं आपको बताऊंगी कि ऋषिकेश जाके आपको कहाँ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए. So, let's begin. Hello everyone, welcome to this new video on Garima's Good Life, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 5 things that you should definitely do when in Rishikesh. ये मेरा भी first time है, so let's explore this place together. The first thing that you have to do is become छोरी गंगा किनारे वाली. That's because I'm gonna be staying in this amazing property which is right on the Ganges. Yes, come on in. वैसे तो ऋषिकेश में बहुत से छोटे बड़े होटल्स और धर्मशाला हैं, बट आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस लिविंग एट वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल्स बाय द गैंजेस, विच इज कॉल्ड गंगा किनारे, जहां पर ब्रेकफास्ट और डिनर पैकेज में इंक्लूडेड है. मोस्ट ऑफ द रूम्स आर गंगा फेसिंग, जहां पे सुबह सुबह आप अपनी चाय बाय द गैंजेस इंजॉय कर सकते हो. दे हैव अ जकूजी एंड द बेस्ट पार्ट, दे हैव अ प्राइवेट घाट टू द गंगा. Wow, guys, मैंने आज तक कभी गंगा जी नहीं देखी थी पहले. Can you believe it? What? हर हर गंगे, हर हर गंगे. गंगा जी का पानी बहुत ठंडा है, मैं इसमें डुबकी नहीं लगा सकती. वैसे भी एक बार डुबकी लगाने से मेरे सारे पाप धुलने वाले हैं नहीं. I think गंगा जी को बस प्रणाम करते हैं, हाथ धो लेते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लेते हैं. हो गया, ऋषिकेश घूमना है. लेट्स गो अप एंड गेट रेडी. आ जाओ. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो गाइस, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर एंड टेल यू मोर अबाउट ऋषिकेश. आई एम वेरी एक्साइटेड, बट आई एम इवन मोर एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट दिस न्यू Redmi Note 12 फोन. Guys, I'm so much in love with this new phone, क्योंकि इसके फीचर्स हैं ही इतने cool. सबसे पहले तो ना आप इसका ये sunrise gold color देखो, मुझे तो लगता है ये मेरी personality के साथ एकदम match करता है. कितना scintillating color है ना. उसके बाद इसके अंदर जो camera है वो 50 megapixel का है, and it has a triple AI camera which is perfect for shooting videos and taking pictures. और इसका जो front camera है ना वो भी बहुत सही है. मैं तो इस सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रही थी, एंड आई प्लान टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑन दिस फोन. तो वीडियो के एंड में ना मैं आपको इसके फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी जो मैंने इस फोन से लिए हैं. फिलहाल आप ये वाले देख लो. Another plus point with this phone is कि ये इतना lightweight और इतना sleek है ना कि traveling के time पे इसको carry करना बहुत ही easy होगा. प्लस इसकी बैटरी पूरे 24 घंटे चलेगी, इसका मतलब मुझे फोन की बैटरी जाने का बिल्कुल भी डर नहीं है. और अगर बैटरी कम हो भी गई तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस फोन के साथ 33 वॉट्स का ये सुपर फास्ट चार्जर आता है जो इस फोन को बहुत जल्दी जल्दी चार्ज कर देता है. इसीलिए आज के दिन ऋषिकेश में मेरा साथी है मेरा ये नया Redmi Note 12. अगर आपको भी ये सुपर स्टाइलिश स्मार्टफोन पसंद आया, यू कैन गेट वन फॉर योरसेल्फ. चेक ऑल द डिटेल्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और चलो अब हम चलते हैं ऋषिकेश को थोड़ा और एक्सप्लोर करने. आ जाओ. A little later. Friends, मुझे लगी है बहुत जोर की भूख और इसीलिए मैं ऋषिकेश में करने जा रही हूँ things to do number 2. I've been told that there is this amazing restaurant called Var, जहाँ पे सारे इंडिया के temples का food मिलता है. That's right. So let's enjoy this. ऋषिकेश ऋषियों की भूमि है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको वेज फूड मिलेगा, एंड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ थाली सिस्टम. इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में सर्वर्स पहले आपको पूरा मेन्यू समझाते हैं कि इंडिया के कौन से टेंपल या तीर्थ स्थान से इस थाली में प्रसाद इंक्लूड किया गया है और आज का मेन्यू क्या है, एंड देन दे स्टार्ट सर्विंग द फूड. मसाला कैबेज बीन्स कोरियर फ्रॉम साउथ से है. रागी इडली ये है मैम, कैब कुछ है ना कतर के लाइक सांभर की तरह. दिस इज द मेथी बेस में मैम, आलू गोभी अदरक गुरुद्वारे में जो शब्द होती रायता, मूली का रायता. कौन सा रायता? मूली रेडिस. यस, मूली का है मैम. अच्छा, मूली स्पाइस का लगा. बस जगन्नाथ पूरी की. जगन्नाथ पूरी की
विशिष्ट कृष्णा कड़ी, मेथी बथुआ पालक का साग फ्रॉम पंजाब गुरुद्वारे, ट्रिपी कड़ी राइस फ्रॉम साउथ का है, स्वामीनारायण की कड़ी अक्षरधाम गुजरात से है। क्या बात है, इस थाली का रेट 1000 rupees पर पर्सन है एंड इट्स श्योरली वर्थ गिविंग अ ट्राई। बट अगर आप किसी और एरिया में रह रहे हैं या आपको थोड़ा सस्ता ऑप्शन चाहिए तो आप त्रिवेणी घाट के पास भी थाली इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। या फिर अगर आप राम झूला के पास जाते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मॉडर्न कैफेज टू ईट एट। खाना खाने के बाद मैं गई राम झूला देखने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी गाड़ी पहले पार्किंग में पार्क करनी होगी, उसके बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना होगा, तब आप राम झूला ब्रिज पर पहुँच पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, द नेक्स्ट आइकॉनिक थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू व्हेन इन ऋषिकेश इज वॉक ऑन द राम झूला। लक्ष्मण झूला भी है लेकिन वो बंद है फॉर रेनोवेशन, इसीलिए हम करने वाले हैं राम झूले पे एक बढ़िया सी वॉक। मैंने सुना था इन झूलों पर चलते हुए ये हिलते हैं, ये भी हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। राम झूला क्रॉस करके जब आप दूसरी साइड पहुंचेंगे तो उस तरफ है परमार्थ घाट और वहां की बहुत ही प्यारी सी लोकल मार्केट। यहां पे आप लोगों को हैंडक्राफ्टेड चीजें मिलेंगी, तो अच्छे से ढूंढिएगा, बार्गेनिंग कीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाएगा। ये देखो योगा मैट का कितना बोहेमियन टाइप कवर है, ट्रैवल बैग्स हैं एंड अ लॉट ऑफ पर्सेस, सच अ क्यूट स्लिंग। राम झूला के बाद मैं लोकल रिक्शा से ट्रैवल करके गई त्रिवेणी घाट शाम की गंगा आरती देखने। त्रिवेणी घाट पे सुबह 6 बजे और शाम को 6:30 बजे डेली आरती होती है, जिसको अटेंड करके आपको क्या अलग सुकून महसूस होगा, सो इट्स अ मस्ट डू। मैं ना बहुत जुगाड़ लगा के आरती देखने के लिए सबसे आगे आई हूँ। अगर आप लोग ऋषिकेश आ रहे हैं, यहाँ पे त्रिवेणी घाट पे आपको पहले से आके बुकिंग करवानी पड़ेगी पूजा की थाली की, ताकि आप आगे आके जो है वो पूजा होते हुए देख सकें और गंगा मैया के दर्शन कर सकें। आई एम लकी, आई एम स्टिल एबल टू डू दैट। तो चलो, अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो मैं आपको यहाँ की शाम की गंगा आरती दिखाती हूँ। ऋषिकेश इज वर्ल्ड फेमस फॉर राफ्टिंग और राफ्टिंग एंजॉय करने के लिए आपको ऋषिकेश से थोड़ा दूर शिवपुरी जाना पड़ेगा, विच इज अराउंड 15 kilometers। गाइज, ऋषिकेश आके एक चीज जो आपको डेफिनेटली करनी है वो है रिवर राफ्टिंग। यस, मैंने पहले राफ्टिंग की है बट मैंने सुना है कि ऋषिकेश की राफ्टिंग बहुत ही अमेजिंग है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे ठीक से स्विमिंग करनी नहीं आती है, बट सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं और हम जा रहे हैं 16 kilometers की राफ्टिंग करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोज। Rafting starts at 9 in the morning and the last raft leaves at 4:30. It costs you between 500 to 2000 depending on the amenities, pick and drop और आपका guide कितना ज़्यादा experienced है। तो चलो अब आप देखो कि हमने rafting के मज़े कैसे लिए। चलाओ चलाओ चलाओ, keep pedal. Stop, stop, stop. Stop.
Keep forward, harder, harder, harder. Okay, get down, get down. Woohoo! That's amazing. Wow, very good, wow. Very good. Nice one. Jaiye madam, aap hi. 1, 2, 3, go. क्या बात है दिस वॉज टू गुड अगर आप लोग ऋषिकेश आ रहे हो यू हैव टू कम एंड डू राफ्टिंग ये लोग पानी में फेंक देते हैं पानी हमारे ऊपर फेंकते हैं स्विमिंग कराते हैं फ्लोटिंग कराते हैं इट्स टू मच फन कैन यू इमेजिन इस राफ्टिंग के बीच में देर इज अ मैगी चाय कॉफी पॉइंट यहाँ पे आप देख लो फिर कहाँ पत्थरों के बीच में टपरी है राफ्टिंग शुरू से लेकर एंड तक फिनिश करने में आपको कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे तो मेक श्योर कि आप उतना टाइम लेके जाएं और बहुत ज्यादा थकान हो जाती है गाइज तो अपनी बॉडी को राफ्टिंग करने के बाद रेस्ट देना देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर एडवेंचर एक्टिविटीज इन ऋषिकेश मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी Epilogue. I had gone to Rishikesh with my family for a one night stay and check out the amazing pictures we clicked with the Redmi Note 12. We really made some great memories and enjoyed. If you enjoyed this video, do hit the like button, share and subscribe to my channel Garma's Good Life. And don't forget to check out the new Redmi Note 12. Okay, bye. I love you all.